रेकी से सातों चक्र को हील करें और कैसे अफर्मेशन दें। सातों चक्रों के लिए अलग अलग अफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेकी को कॉल करें, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई बॉडी एंड सेवन चक्र। हे रेकी एनर्जी, मैं अपने सातों चक्रों को अफर्मेशन के साथ में हील करने जा रहा हूँ और मैं अपने दोनों हाथों को कप शेप में बनाकर हर चक्र पे रखूंगा और अफर्मेशन दूंगा। हे रेकी एनर्जी, मेरे सातों चक्रों को क्लींज करके, हील करके, बैलेंस करके चार्ज कर दो, एक्टिवेट कर दो, जिससे कि सातों चक्रों की अनलिमिटेड शक्तियां, अनलिमिटेड पावर मेरे काम आने लग जाए और मेरी हेल्प करने लग जाए, जिससे कि उनमें जो भी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों का मैं पूरी तरह से लाभ उठा सकूं। थैंक यू। अब दोनों हाथों को कप शेप में बनाएंगे और अपने थर्ड आई पर रखेंगे, सबसे पहले थर्ड आई, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, यानी ऐसे। और सिंबल यहाँ पे क्या करना है कि व्हाइट पैट लाइट से घिरा हुआ पाइए और तीन सिंबल ड्रॉ कीजिए। ऑनशाजेशन ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट कीजिए, सेहे की ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट, चोकुरे ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट। अगर आपके पास ये तीनों सिंबल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेवल के हैं, तब भी आप सिर्फ हाथ रख के विदाउट सिंबल बनाए, यहां तक प्रोसेस करेंगे लेकिन सिंबल नहीं बनाएंगे, बिना सिंबल ड्रॉ किए ही अफर्मेशन देना चाहिए। मेरा थर्ड आई क्लिंज है, हील है, बैलेंस है और पूरी तरह चार्ज है। मेरा थर्ड आई पूरी तरह काम करता है और इसके जो इमोशंस हैं वो इमोशंस एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब मेरा इंट्यूशन पावर बढ़ता ही जा रहा है और मेरी थर्ड आई एक्टिवेट होने से मेरी आई साइड स्ट्रांग हो गई है। मैं डिसीजन बहुत अच्छी तरह से ले पाता हूँ और मैं अपने विचारों को हर समय पॉजिटिव रख पाता हूँ। मेरे थर्ड आई के एक्टिवेट होने से, चार्ज होने से, बैलेंस होने से मेरे सारे काम बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं और मैं अपनी जिंदगी में इंजॉय कर रहा हूँ। मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है और मैं अच्छे और बुरे का अच्छी तरह से फर्क कर पाता हूँ। ये आप अफर्मेशन इतना करते हैं, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस करते हैं, इसमें 2 से 3 मिनट लगना है और प्रोसेस करते हैं। अगर आपको तीनों सिंबल ड्रॉ करना है तो ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लिया, और नहीं ड्रॉ करना है, फर्स्ट लेवल के हैं तो बिना ड्रॉ किए ही आपने अफर्मेशन दे लिया। और अगर आगे आप सिंबल जानते हैं, जैसे कि दाई को म्यू तक जानते हैं, तो वो भी ड्रॉ कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। अफर्मेशन इससे आपका जो थर्ड आई चक्र है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो गया। नेक्स्ट, अब आप थ्रोट चक्र पे आइए, एक हाथ गले के आगे और एक हाथ गले के पीछे, दोनों हाथ यहाँ पर रख के बोलेंगे कि मेरा थ्रोट चक्र पूरी तरह से क्लींज है, हील है, चार्ज है, बैलेंस है और एक्टिवेट है। मेरे थ्रोट चक्र के एक्टिवेट होने से, चार्ज होने से मेरी हेजिटेशन की जो फीलिंग होती है वो समाप्त होती है। मैं किसी भी तरह के हेजिटेशन नहीं करता हूँ, मैं किसी से भी खुलकर पूरी तरह से बात कर पाता हूँ और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं अपनी आवाज़ से प्यार करता हूँ और थायराइड की प्रॉब्लम समाप्त हो गई। मेरा थ्रोट चक्र पूरी तरह से चार्ज है। ये 2 से 3 मिनट आपको ये करना है, बार बार इसको, कई बार इसी चीज को वापस रिवाइज करना है। थैंक यू। और गले में अगर कुछ खराश है, बिल्कुल जुखाम जैसी या खसखसाहट होती है, तो बोलिए कि मेरे गले की कोई भी प्रॉब्लम समाप्त हो गई है, अब मेरा गला पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरा थ्रोट चक्र पूरी तरह एक्टिवेट है। थैंक यू। नेक्स्ट, हार्ट चक्र फ्रंट एंड बैक, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। अब बोलेंगे कि मेरा हार्ट चक्र क्लींज है, हील है, बैलेंस है, चार्ज है और मेरे हार्ट चक्र की अनलिमिटेड पावर एक्टिवेट है, जिससे कि मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह काम करता है। मेरे लंग्स भी पूरी तरह से हील है, चार्ज है, बैलेंस है और पूरी तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट की मेरा हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, यानी कि हार्ट में किसी भी तरह की कोई भी कमी है, प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो गई है और हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है। थैंक यू माई हार्ट चक्र। एंड सोलर प्लेक्सस फ्रंट एंड बैक, नाभि से थोड़ा ऊपर, नाभि को कवर करते हुए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और बैक साइड में भी जस्ट सामने उसी के पीछे रखेंगे और बोलेंगे कि मेरा सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से
लिंज है, व्हील है, चार्ज है, बैलेंस है, और जिसकी वजह से मेरा पेट साफ रहता है हर दिन, मेरी किडनी पूरी तरह से स्वस्थ रहती है, और मेरे मेरी आंतें, पेट की आंतें सही रहती है, और लीवर भी सही है, और अगर कहीं कोई स्टोन है ना गॉल ब्लैडर में तो वो भी समाप्त होती है। आप बोलेंगे कि मेरे कॉन्स्टिपेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और मेरा पेट पूरी तरह से नॉर्मल है, साफ है, साफ रहता है हमेशा और क्लींज रहता है, मेरा सोलर प्लेक्सस पूरी तरीके से हेल्दी है और चार्ज है, ये आपको अफर्मेशन देना है और बोलना है कि मुझे समय से भूख लगती है और मेरा भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। थैंक यू माय सोलर प्लेक्सस। नेक्स्ट सोलर प्लेक्स सैक्रल चक्र फ्रंट एंड बैक। मेरा सैक्रल चक्र पूरी तरीके से हील है, बैलेंस है, चार्ज है, एक्टिवेट है, और मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छी तरह से हैं, मेरी कमर की कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अगर महिलाएं हील कर रही हैं तो वो बोलेंगे कि मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम नॉर्मल है, कोई भी पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कमर में कोई भी दर्द नहीं है, कमर मेरी स्वस्थ है, और स्वस्थ रहने से मैं पूरी तरीके से अच्छा फील करता हूँ। मेरी स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है तो समाप्त हो गई है, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से हेल्दी है, और मेरा जो मेरी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो पूरी तरीके से हेल्दी है। और नेक्स्ट थैंक माई सैक्रल चक्र, थैंक्स माई सैक्रल चक्र। नेक्स्ट रूट चक्र फ्रंट एंड बैक। फ्रंट एंड बैक पे रूट चक्र पे हाथ रख के बोलेंगे कि मेरा रूट चक्र हील है, चार्ज है, बैलेंस है, एक्टिवेट है, और मैं अपने रूट चक्र के एक्टिवेट होने से पूरा पैशन फील करता हूँ, जोश फील करता हूँ, और अभाव की फीलिंग समाप्त हो गई है, अबंडेंस की फीलिंग रहती है, धन संपदा बढ़ती रहती है, मेरा रूट चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा जोश में रहता हूँ, चार्ज रहता हूँ, और धन संपदा बढ़ रही है, मैं हर काम को बहुत ही आसानी से सरलता से कर पाता हूँ। पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को अगर है तो वो समाप्त हो गई है बोलेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मेरे हड्डियों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो बोलेंगे कि मेरी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम समाप्त हो गई है, मेरे जोड़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे शरीर के जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे शरीर के हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी के फ्रैक्चर हो गई है ना, हड्डी टूट गई है, तो वो हील करेंगे, तो रूट चक्र को हील करेंगे, बोलेंगे कि मेरी बोन, मेरे शरीर के अंदर की सारी हड्डियां पूरी तरीके से स्वस्थ है, सारे जोड़ पूरी तरीके से स्वस्थ है, थैंक्स टू माई रूट चक्र, थैंक यू। और अब लास्ट में क्राउन चक्र पे, यानी कि अपने माथे के पीछे इस तरह से हाथ रखेंगे, बोलेंगे मेरा क्राउन चक्र पूरी तरह से क्लींज है, हील है, बैलेंस है, चार्ज है, एक्टिवेट है, और मेरी आध्यात्मिक पावर पूरी तरीके से बढ़ी हुई है, मेरा विश्वास है डिवाइन एनर्जी में, डिवाइन पावर में, डिवाइन सोल्स में, और गॉड में पूरी तरीके से विश्वास है, रेकी में पूरी तरीके से विश्वास है, मैं रेकी पर पूरा विश्वास करता हूँ, डिवाइन एनर्जी विश्वास करता हूँ, और संतों पर, ऋषि मुनियों पर, योगियों पर, साधकों पर, देवी देवताओं पर, फरिश्तों पर, खुदा पर, अल्लाह पर, और प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास करता हूँ। इन सारी शक्तियाँ, इनकी सारी शक्तियाँ मेरी ऑरा से कनेक्टेड है, जिससे कि मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। थैंक यू माय क्राउन चक्र। और अब उसके बाद से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे और पूरे शरीर को अपने थर्ड आई में लेकर आएंगे और वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स से घिरा हुआ पाएंगे, और जितने भी सिंबल, चार सिंबल है, तो चारों सिंबल ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट कर देंगे, थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू माई सेवन चक्र। और अब देखेंगे कि आपका सातों चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है, हील है, और एवरीडे अगर आप ये करते हैं, 10 मिनट का प्रोसेस करते हैं, तो इन 10 मिनट में आपके सात चक्र अच्छी तरीके से हील हो जाएंगे। मतलब 15 मिनट 20 मिनट भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं, दिन में एक बार तो करें ही करें, दो बार भी कर सकते हैं, अगर आपको करने की इच्छा है, जरूरत है, आपको आपके इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, इम्यून पावर बढ़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है, तो आप अपनी इम्यून पावर को बढ़ा लीजिए, जिसकी वजह से आपकी शरीर की कोई भी बीमारी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, चाहे वो डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो अब आप दोनों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के बोलिए, थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू माय सेवन चक्र, थैंक्स टू माय बॉडी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एनर्जी, थैंक्स टू डिवाइन पावर, थैंक्स टू सिचुएशंस, थैंक्स टू टाइम, थैंक्स टू प्लेस। और जब इतना बोल लेंगे तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में 3 से 4 बार फोल्ड करेंगे और थैंक्स रेकी बोलेंगे। फोल्ड करने से रेकी अंदर ही लॉक होकर जो फ्लो हो गई,
ये प्रोसेस आप करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए।